जो राम को लाए हैं हम मोदी जी को लाएंगे। हर पब्लिक के सामने दो मुद्दे हैं, पहला विकास, दूसरा हिंदू मुस्लिम। मेरा वोट मेरी आवाज की यात्रा इस वक्त राजस्थान में है और राजस्थान के इस यानी अजमेर के पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर बीजेपी से सुरेश सिंह रावत हैं, कांग्रेस पार्टी से नसीम अख्तर हैं, इसके अलावा कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये ब्रह्मा जी का वो स्थान है जो देश में एकमात्र स्थान है, यहाँ पर तमाम पूजा पाठ और तमाम क्रियाकर्म किए जाते हैं, उन्हीं के लिए पूरे देश से लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। और लेकिन हम आए हैं चूँकि चुनाव को कवर करने के लिए, तो यहाँ के जो पंडे हैं, यहाँ के जो पुजारी हैं, यहाँ के जो कर्मकांड कराने वाले लोग हैं उनसे बात करेंगे। यहाँ पर श्रेष्ठ यहाँ के जो जानकार हैं, यहाँ के कर्मकांड के बारे में जानकार हैं और यहाँ के पुष्कर के एक एक नस को पहचानने वाले लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस पुष्कर में इस बार चुनाव को लेकर के क्या मुद्दे हैं, इस धर्म नगरी में इस बार क्या चर्चाएं हो रही हैं और हवा किस ओर बह रही है। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा मदन जी, इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं पुष्कर के लिए और किस तरह से इस बार हवा बह रही है। विश्व विख्यात पावन पवित्र धर्म नगरी तीर्थराज पुष्कर, जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, देश से ही नहीं अपितु विदेशों से भी यहाँ यात्रीगण पर्यटकगण आते हैं और जल रूप ब्रह्मा को नमन करते हैं। आध्यात्मिक पौराणिक सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्व है, जल रूप ब्रह्मा का है, इसका सर्वांगीण विकास हो और बावन घाट का विकास हो, तीर्थ के मर्यादा बनी रहे और तीर्थ पुरोहितों का ध्यान रखा जाए, इसके लिए ये विशेष कर जो है जो भी सरकार यहाँ आए वह हमारे तीर्थ का विकास करे, बावन घाटों का विकास करे, हमारे तीर्थ का जीर्णोद्धार करे। जिस प्रकार से मोदी जी ने वाराणसी में कॉरिडोर बना के और वाराणसी का विकास किया है, अन्य तीर्थों का विकास किया है, उसी प्रकार से पुष्कर तीर्थ का भी विकास किया जाए और सर्वांगीण विकास यहाँ पे हो पुष्कर तीर्थ का, इसके लिए हम याचना करते हैं और प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी महाराज से कि कोई भी यहाँ पे जो विधायक आए वो हमारे पुष्कर का सर्वांगीण विकास करे और यहाँ के सनातन धर्म को जिंदा रखे। किस तरह से देखते हैं यहाँ, क्या कुछ विकास अभी रह गया है, क्योंकि ये तो धर्मस्थली है और यहाँ तो कई सरकारें आप लोगों ने देखी होंगी, आप उम्र में भी बड़े हैं, किस तरह से अभी और क्या आवश्यकता लग रही है और सरकार से आप क्या चाहते हैं? मैं इस तीर्थ का दुर्भाग्य कहूँगा कि पिछले 30 सालों से यहाँ भाजपा राज कर रही है, हिंदू धर्म के नाम पर राज कर रही है, तीर्थ के नाम पर राज्य कर रही है, परंतु दुर्भाग्य से 1-5 साल के लिए जिस पार्टी को मुस्लिम पार्टी घोषित करके हम लोग प्रचार और प्रसार करते हैं, उसी पार्टी के कुछ नज़रों में दिखते हुए इस तीर्थ में कार्य हैं जो उन्होंने यहाँ एक संकेत मात्र के लिए किए हैं। जैसे SDO कार्यालय है, यहाँ का सर्किट हाउस है, यहाँ का कॉलेज है, यहाँ का खेल प्रांगण है, ये सर्व चीज़ें 1-5 साल के लिए दुर्भाग्य से इस हिंदुओं की सबसे बड़ी तीर्थ नगरी में एक मुस्लिम महिला प्रत्याशी के द्वारा किया गया है। अच्छा, दुर्भाग्य से पिछले 30 सालों में से 5 साल मुस्लिम प्रत्याशी इस नगर का विधायक रहा और पिछले 25 सालों से यहाँ का हिंदू धर्म का रक्षक बीजेपी से भाजपा से कंटिन्यू विधायक बनते आए हैं, लेकिन तीर्थ के विकास और तीर्थ की पवित्रता और मर्यादा के नाम पे अगर मैं संकेतों में कहूँ तो 0 कहा जा सकता है कि इसके विकास में 0 लगाया गया। आखिर इस बार पुष्कर के मन में क्या है, पुष्कर के मुद्दे क्या हैं, पुष्कर के लोग चाहते क्या हैं और पुष्कर की विकास की कमान वो किसके हाथ में सौंपना चाहते हैं, इसको लेकर के एक बार फिर से हम यहाँ पर आए हुए। आप बताओ इस बार पुष्कर के क्या मुद्दे हैं, पुष्कर इस बार क्या चाहता है, पुष्कर के मन में क्या है? पुष्कर क्या चाहता है, पुष्कर का तो एक ही है, भारतीय जनता पार्टी यही जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी से सुरेश सिंह रावत है हमारे, वही जीतेंगे। अच्छा, क्या कारण है कि एक बार अभी देखो उन्होंने काम किए या नहीं किए कि फिर से दोबारा जिताने का क्या और क्या है मूल मंत्र क्या है? अब क्या है, देखो विकास के नाम पर तो जो भी है ठीक है, चल रहा है पुष्कर में और आगे आएगा तो करेंगे, सुबह सुरेश जी आएंगे तो कुछ ना कुछ विकास जरूर ही। पिछले 5 सालों में कुछ किया है वो तो अभी नहीं के बराबर है, इतना कोई खास बात नहीं है।
फिर भी ठीक है, मोमडन कैंडिडेट के सामने तो ठीक है ना अपने। अच्छा, बाकी से काम से मतलब नहीं है, मोमडन नहीं जीतना चाहिए? हाँ, मोमडन नहीं जीतना चाहिए। दानिश से कुछ? दानिश नहीं, नसीम अख्तर। नसीम अख्तर, नसीम अख्तर। अच्छा, विकास कह रहे हैं विकास कुछ हुआ नहीं, फिर भी जो है दानिश को या नसीम को नहीं जीतना चाहिए, दूसरे जो गोपाल जी हैं उनको नहीं जीतना चाहिए? हमारे हिसाब से पुष्कर के अंदर केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, राज्य में भी बीजेपी की सरकार, नगर पालिका पुष्कर में भी नगर पालिका का बीजेपी का बोर्ड था, लेकिन पुष्कर राज जो अंधाता खिलाता है, जो 5,000 ब्राह्मणों का घरवार चलाता है, उसमें सीवरेज का गंदा पानी आज तक जा रहा है, उसकी कोई विकास कार्य नहीं। विधायक महोदय केवल 5 साल जीत के यहाँ से गायब हो जाता है, एक दिन चुनाव के लिए घर घर जाता है, वोट मांगता है, ऐसा विकास नहीं चाहिए हमको। डॉक्टर श्री गोपाल बायती जो निर्दलीय कैंडिडेट है, अच्छा कार्य है, 2003 के अंदर 2008 के अंदर उसका कार्यकाल देखा है पब्लिक ने, डॉक्टर श्री गोपाल बायती जीतना चाहिए। अच्छा, आप लोगों के हिसाब से ही बताइए, ये कह रहे हैं विकास हुआ हो या ना हुआ लेकिन बीजेपी चाहिए, ये कह रहे हैं इस बार निर्दलीय के साथ हैं, ये अख्तर साहब का क्या रोल है, अख्तर साहब क्या कर रहे हैं, कांग्रेस का कुछ है क्या, क्योंकि कांग्रेस की सरकार भी है और आने वाले समय में अब चाहे जिसकी सरकार बने, लेकिन पुष्कर का क्या चाहते हैं? पुष्कर का विकास होगा, अच्छा होगा। सुरेश जी आ रहे हैं वापिस, कमल का फूल खिल रहा है। कह रहे हैं विकास तो हुआ नहीं? होएगा, विकास हुआ है और होगा, केंद्र से होगा। केंद्र से होगा, केंद्र भेजेगी, राज्य सरकार आने वाली है, राज्य सरकार आ रही है बीजेपी। बिना विकास किए हुए भी आ जाएगी? वो आएगी, विकास फूल हुआ है, विकास किए क्यों भाई, बिना विकास के आएगी? देखो, विकास की तो बात जहाँ तक है, जहाँ तक मोदी जी को देख लो आप, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? मोदी जी का विकास हुआ है? कैसे नहीं हुआ है आप बताओ, मोदी जी का विकास हुआ है कि पुष्कर का विकास हुआ है? हम तो पूरी जनता वही है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, क्योंकि हम तो मोदी जी की लहर में है, जो राम को लाए हम मोदी जी को लाएंगे। अच्छा, वो राम को लाए हैं? ये किसने बताया कि राम को लाए? हमने देखा है ना खुद, कांग्रेस के इतिहास और बीजेपी का इतिहास दोनों का देखा है ना कि किसने ज्यादा काम किया। लेकिन राम को तो दशरथ जी लेकर के आते, दशरथ जी के पुत्र थे। लाए कौन? लाए राम तो सबके दिल में है। मंदिर किसने बनाया? अरे मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना भाई। तो किसके आदेश से बना? किसके आदेश से बना? अरे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हो, आदेश उनका था, आदेश उनका था, सरकार किसकी थी? अरे जनता ने पैसा दिया। अरे कैसे पैसा दिया? जनता चंदा दिया, 5,000 करोड़ रुपए सबने, 100-100 मेरी बात सुनिए, जब मोदी सरकार है ना, मोदी सरकार के राज्य में जो काम हुआ वो कांग्रेस के राज्य में नहीं हुआ, हम ये जानते हैं। 70 सालों में आज तक हुआ क्या राम मंदिर का मुद्दा? मोदी की सरकार आते ही पास हो गए ना, हुआ नहीं हुआ? अच्छा, राम मंदिर मुद्दा है? हाँ, कांग्रेस के सरकार में हुआ क्या इतने सालों में, 70 सालों में? अपनी इंडियन आर्मी मजबूत हो गई, पुलिस मजबूत हो गई, हर जगह पुलिस और प्रशासन का मन बड़ा झंडा भारी फैल रहा है, क्योंकि ये चीज़ है ना देखने की नहीं है, आप अपने आप ही समझो। अगर आप बीजेपी को वोट दोगे, पुष्प फूल को वोट दोगे, तो सिर्फ मोदी लहर में विकास होगा वापिस। आपकी आ रहा है, राज्य सरकार बन रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है, ये सब जानते ही हैं। अरे भाई, कांग्रेस 5 साल में हमने देख लिया, जनता पार्टी के राज में महिलाओं पे अत्याचार नहीं होते। कांग्रेस राज में महिलाओं पे देखा आपने लोगों ने, अभी राजस्थान में कितना अत्याचार हुआ है। अच्छा, मैं और भी लोग पीछे बैठे हुए हैं दुकान के, उनसे भी बात करूंगा। आप तो बीजेपी की लहर की बात कर रहे हैं, इस बार ये बताइए यहाँ पुष्कर के मन में क्या है, पुष्कर क्या चाहता है इस बार? तमाम हर पब्लिक के सामने दो मुद्दे हैं, पहला विकास, दूसरा हिंदू मुस्लिम। अब इस दो में से एक को चुनना है, तो वोट मतदाता सब गुम है, कोई नहीं बता रहा है हिंदूवाद या विकासवाद, कोई नहीं बता रहा। नेता आते हैं, वादे करते हैं, चाहे कोई लेवल का हो, चाहे वार्ड लेवल का हो, चाहे विधानसभा लेवल का हो और चाहे ऊपर का हो, तो यह मतदाता सब गुम है। अब कह रहे हाँ बोल दिया, अभी फूल बोल दूँ या बाल्टी बोल दूँ या हाथ बोल दूँ, इससे नहीं होगा। नहीं, हम उस पर किसी पर एक जीत उसी की होती है जिसको जनता चाहती है। नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि पुष्कर का विकास को लेकर के, पुष्कर को विकास कौन दे सकता है? पुष्कर में सुरेश जी ने 10 साल बिताए, पुष्कर की मेन मांग यही है या गंदा पानी रुकना चाहिए, पुष्कर का विकास ऑटोमेटिक हो जाए। तो इस पर क्या कह रहे हैं सुरेश जी? अब सुरेश जी क्या कह रहे हैं, 10 साल बिताए क्या कह रहे हैं, 2 कार्यकाल हो गए या तीसरा भी उनके हाथ में ही आ रहा है। आ रहा है यानी किस मुद्दे को लेकर विकास नहीं कर रहे हैं, फिर क्यों आ रहा है, यही मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, पुष्कर तीर्थ बीजेपी हिंदू पार्टी। अच्छा, इस वजह से
विकास से कोई मतलब नहीं है, विकास का तो कोई मायना ही नहीं है। विकास का है तो देख लो, अभी बताऊं मैं आपको, गड्ढे वड्ढे आप खुद देखो। विकास क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मेला है, क्या देख रहे हो आप? क्या देख रहे हो इसमें? है कोई विकास? क्या वाकई में विकास नहीं हो रहा है यहाँ? आप क्या कह रहे हैं? ये कहेंगे हम क्या? अच्छा, ये जो कह रहे हैं वही हैं। अच्छा, ये बताए काम हुआ है कुछ यहाँ पर? अभी तक कुछ कुछ नहीं हुआ। काम तो क्या है, गवर्नमेंट का बजट आता है वैसा काम तो होता ही है। सड़क बनना, क्या पब्लिक को क्या चाहिए? पानी, पानी, लाइट, सड़क, ये व्यवस्था ये होती है, चल रही है। थोड़ी पानी की किल्लत आती है 3 दिन से 4 दिन से। अफसर लोग कोई पब्लिक की सुनता है क्या? कोई नहीं सुनते। इसलिए थोड़ा सा ऐसे ही है, डावाडोल है मामला। डावाडोल तो देखो क्या बताए आपको, वोटिंग जो है इस बार कोई दावा नहीं कर सकता है कि यह आएगा। हाँ। क्योंकि इधर अशोक सिंह रावत भी पूरा जोर लगा रहा है, सुरेश का भी पूरा जोर, योगी जी आए यहाँ सुरेश के लिए, और एक ये नसीम पूरा जोर लगा रही है। क्या ये तो चलता रहे, मेला है वैसे भी, पब्लिक अभी सब मेले में व्यस्त है, किसी को इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। क्या हो रहा है, क्या यहाँ मुकाबला निर्दलियों के बीच में भी है, निर्दलीय भी राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं को चुनौती दे रहे हैं। वहीं सुरेश सिंह रावत जो मौजूदा विधायक हैं वो बीजेपी की तरफ से दावा ठोक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नसीम अख्तर कांग्रेस प्रत्याशी वो भी अपना पूरा दमखम लगाए हुए हैं। अब देखना है आने वाले दिनों में जब वोटिंग होगी तब किसका जोर चलेगा और कौन बाजी मारेगा। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ वन इंडिया हिंदी के लिए पुष्कर से कुलदीप द्विवेदी।